छत्तीसगढ़ बेस्ड बीएसपी यानी भिलाई स्टील प्लांट को स्पेशल क्वालिटी वाली स्टील प्लेटों की बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट का ऑर्डर यूएई से मिला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत आज के टाइम में दुनिया का दूसरा बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बन चुका है। स्टील मिंट के मुताबिक भारत 2021 में 117.63 मिलियन टन क्रूड स्टील प्रोड्यूस कर रहा था, जो कि 2022 में 5.80% से बढ़कर 124.45 मिलियन टन हो गया था। और भारत में बने स्टील को यूएस, यूएई, नीदरलैंड, चाइना और सऊदी अरब सहित 30 से भी ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। और इन देशों में चमकती बिल्डिंगों के पीछे भारत के स्टील का बड़ा हाथ है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। और अब बात करते हैं उस बड़ी खबर के बारे में। पूरी दुनिया में फेमस हुई बेहतरीन बिल्डिंग्स का देश यूएई से भारत को एक बड़ा ऑर्डर मिलने की खबर सामने आ रही है। और इस ऑर्डर में यूएई ने भारत की सेल यानी स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड की भिलाई स्टील प्लांट को 10,000 टन स्टील एक्सपोर्ट का ऑर्डर दिया है। और ये एक स्पेशल ग्रेड की स्टील बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि बेसिकली यूरोप और अमेरिका की बिल्डिंग्स में यूज होती है। और सोर्सेस से ये भी पता चला है कि सिर्फ यूएई से 10,000 का ऑर्डर ही नहीं, बल्कि इस प्लांट को वेस्ट एशियन कंट्री से 34,000 टन की प्लेट्स बनाने का ऑर्डर मिला है। अब भिलाई स्टील प्लांट के बारे में और जानते हैं। इस स्टील प्लांट को भारत सरकार द्वारा 50 टाइप्स की स्टील बनाने का सर्टिफिकेट प्राप्त है, यानी कि डिफरेंट ग्रेड्स की स्टील जो कि इंडियन आर्मी के वॉरशिप में, सबमरीन में और बड़े बड़े ब्रिजेस में यूज होने वाली स्टील भी इस प्लांट में तैयार की जाती है। और यूएई के इस 10,000 टन के स्टील एक्सपोर्ट ऑर्डर में तैयार होने वाली स्टील टाइटेनियम और बोरोन के मिक्सचर से तैयार होगी। अब थोड़ा पीछे जाकर 2020 की बात करते हैं, तो इस स्टील प्लांट ने 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन्स के लिए भारत सरकार के साथ R260 ग्रेड के रेल ट्रैक्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि अब पूरा हो चुका है। पहले भारत केवल सिंपल क्वालिटी के ही स्टील प्रोड्यूस करता था, और बढ़िया क्वालिटी के स्टील और आयरन 2021 के आंकड़े के हिसाब से $11.68 बिलियन के भारत में इम्पोर्ट किए गए थे। पर अब भारत इस ग्रेड के स्टील में भी आगे बढ़ रहा है, और भिलाई स्टील प्लांट और टाटा स्टील कंपनी जैसी बड़ी प्रोडक्शंस के बदौलत ये आंकड़ा तेजी से कम हो रहा है। और ये कंपनी स्टील एक्सपोर्ट मार्केट में भारत की अच्छी पकड़ बना रही हैं। सन 2021 में भारत ने 120 मिलियन टन पर ईयर के हिसाब से स्टील को प्रोड्यूस करके दुनिया में दूसरी जगह बना ली है। और इस आंकड़े में टाटा स्टील्स भी बड़ी अहमियत रखता है, जो कि यूएई के अलावा श्रीलंका और नेपाल को मेनली अपनी स्टील एक्सपोर्ट करता है। और हाल ही में टाटा इंटरनेशनल दुबई से भी यूरोप में लाइट एंड हाई टेंसाइल ग्रेड की स्टील को एक्सपोर्ट किया गया था। और ऐसे ही अब भिलाई स्टील प्लांट भी 35,000 टन के स्टील एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट को भी पूरा करेगा। और अगर भविष्य में बड़े ऑर्डर्स ऐसे ही भारत को मिलते रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब भिलाई के साथ टाटा स्टील, JSW स्टील और प्राइम गोल्ड में बने स्टील्स भारत को स्टील एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना देंगे। अगर आपको भी ऐसी कंपनीज के संघर्ष पर गर्व है, तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।